हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम कुकिंग टाइम विथ मी चैनल में आप सबका वेलकम तो आज मैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूं आप सबके लिए और बहुत ही जल्दी बनने वाली है ये मैं आज बना रही हूं पलवल आलू की सब्जी जो मेरे चैनल पर अभी तक अपलोड नहीं है तो इसलिए मैंने आज उसी को बनाया है उम्मीद है ये बहुत आसान सी रेसिपी है जो आप सबको ज़रूर पसंद आएगी तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं तो थोड़े से पलवल और मैंने कुछ आलू ले लिए हैं इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से ए, कट कर लिया है और बहुत ही अच्छे से मैंने इसको धो भी लिया है एकदम साफ हो गया है तो यहाँ पर मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है और प्याज भी मैंने तीन प्याज कट कर लिए हैं मीडियम साइज़ के थे और यहाँ पर लहसुन है चार पाँच कलियाँ लहसुन की मैंने छील के कट कर लिया था और चार हरे मिर्च है और इन सब चीज़ों को पहले मैंने रेडी किया है और यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल दिया है फिर यहाँ पर मैंने लहसुन हाथ से उठा के डाला है और मिर्ची को तो मैं छूँगी नहीं इसलिए ऐसे ही डाल दिया है मिर्ची को और थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है और हल्का सा नमक एक पिंच के बराबर मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि नमक डालेंगे ना आप तो छीटा नहीं उठता है जलने का टेंशन नहीं होता है तो अब हल्का सा तलने के बाद फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया है और प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हल्का सा फ्राई हो जाए बस इसमें मैंने पलवल डाल दिया है तो पलवल को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे कढ़ाई मेरी छोटी है आप सबको लग रहा होगा पर छोटी है लेकिन मैं इसमें बना लूँगी मैनेज कर लूँगी और क्योंकि सब्ज़ी जब पक जाती है ना तो फिर थोड़ा घट भी जाता है दब जाता है तो अब यहाँ पर मैंने नमक थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है और काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है और इन सब चीज़ों को डाल के अब पाँच से दस मिनट हम यहाँ पर वेट करेंगे ढाँक करके तो पाँच से दस मिनट के बाद मैंने यहाँ पे इसको खोला है और हल्का हल्का इसको चलाते रहिएगा कम से कम दो तीन बार आप इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और मैंने एकदम लो फ्लेम पे इसको कर दिया था तो लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे और यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी रेडी हो गई है तो इसी तरीके की आसान सी रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से कर दीजिएगा और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है इसके लिए मुझे कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता लग सके कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है तो इसी तरह से मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी आप सब के लिए आसान सी रेसिपी लेकर तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ मिलती हूँ मैं अब अगले वीडियो में बाय